दोस्तों, इस वीडियो में जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड को लेकर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आपकी कंटिन्यूसली आती है, तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपके साथ जेपी पावर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो कि कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ क्या स्ट्रेटेजी अब आपको शेयर्स के अंदर लेकर चलना है, लेकिन सबसे पहले बता देना चाहता हूँ ये एक पैनी शेयर से, यहाँ पर आपको ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन आपको यहाँ पर लेना है। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, जहां लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इस शेयर के अंदर शानदार मूवमेंट देखने को मिल चुके हैं, लगभग 3.5% तक की शानदार तेजी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है, और साथ ही साथ शेयर्स ने 4.80 रुपए के हाई को भी यहां पर टच किया था। लेकिन उसी के बाद में जिस प्रकार से हमें मार्केट वॉलेटाइल देखने को मिला, जहां सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर हमें बड़े करेक्शंस देखने को मिले, वहीं जयप्रकाश वेंचर्स लिमिटेड के अंदर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बात करेंगे 2007 में, यानी कि 2007 में जो शेयर्स आपको 131 रुपए के वैल्यू पर ट्रेड होते हुए देखने को मिलता था, जो कि अभी ऑलमोस्ट आपको 85% तक यहां पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि बीच में तो ये शेयर आपको 0.70 पैसे यानी कि 70 पैसे पर भी जाता हुआ देखने को मिला था, और जिसने भी उस लेवल से खरीदारी कर रही होगी उसको काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर विद इन अ 1 ईयर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, पैनी शेयर रिस्की होते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, यानी कि आप बाय लक अगर इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, तो यहां पर आप मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर बात करें, आपका पोर्टफोलियो ही 10,000 रुपये का है, तो आप यहाँ पर 100, 200, 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो 1,00,000 रुपये का है, तो आप यहाँ पर 1,000 रुपये तक लगा सकते हैं। बस इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। जेपी पावर के अगर वॉल्यूम बेस्ड काम की भी बात करी जाए, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें जेपी पावर के अंदर बीएससी में 4,16,00,000 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिली, जिसके सामने 1,36,00,000 क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। वहीं अगर एनएसई की बात करें, तो एनएसई के अंदर 7,20,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और जिसके सामने 2,25,00,000 क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है, और डिलीवरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज ऑलमोस्ट 31% का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेपी पावर के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें हाईएस्ट वॉल्यूम बेस्ड काम देखने को मिला है, यानी कि अगर लास्ट 1 मंथ के आप ट्रेडिंग चार्ट को देखेंगे, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बेस्ड काम हमें इसके अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिला है। उसके पीछे जो यहां पर न्यूज निकल कर आई है, उसी कारण से यहां पर इतनी बड़ी तेजी आपको जेपी पावर के अंदर देखने को मिल रही है। शेयर्स अपने 52 वीक के हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहां पर कह सकते हैं कि जिस प्रकार के पॉजिटिव मूवमेंट्स हमें अब जेपी पावर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बहुत जल्दी इस शेयर्स के अंदर नया 52 वीक का हाई भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें, तो पिछले एक दिन में 3.5% के रिटर्न, पिछले एक महीने में 2.25% के नेगेटिव रिटर्न, पिछले 3 महीने में 15% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 1 साल में 87% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 3 साल में 130% यानी कि ऑलमोस्ट 130% के पॉजिटिव रिटर्न, और पिछले 5 साल में लगभग 13.5% तक के पॉजिटिव रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बात करें कि किस न्यूज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको जेपी पावर की शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। रिसेंटली यहाँ पर हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से, यानी पावर मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने कोल के स्टॉक को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है, जो कि 136 पावर प्लांट्स हमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। अब उनके अंदर लगभग 18.95 मिलियन टन्स कोल अवेलेबल है नवंबर के मंथ में, जिस कारण से जो पावर की सप्लाई है अब उसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है, जिस कारण से पावर सेक्टर कंपनियों के अंदर आपको शानदार मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। लाइक अगर हम बात कर लें टाटा पावर की, साथ ही साथ बात कर लें जेपी पावर की, और भी बाकी पावर सेक्टर कंपनियां काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में हमें देखने को मिल रही है। तो इसी न्यूज़ का एक पॉजिटिव आउटकम्स आपको यहां पर देखने को मिल चुका है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और देख सकते हैं आप हमारी जो 136 पावर प्लांट्स है, अब वो पूरी तरीके से पावर सप्लाई के लिए रेडी हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एंट्री पॉइंट के हिसाब से तो अभी यहाँ पर शेयर्स हमें बहुत सही पोजीशंस में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर रेड फ्लैग भी देखने को मिलते हैं, वो है इनका प्रमोटर्स होल्डिंग्स। जी हाँ दोस्तों, इनके काफ़ी शेयर्स यानी कि प्रमोटर्स जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी शेयर्स हमें प्लेस में देखने को मिलते हैं, गिरवी देखने को मिलते हैं, जिस कारण से यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म पर्पज से नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म पर्पज से यहाँ पर आप अपने टारगेट को सेट करते हुए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
एक और पॉजिटिव न्यूज़ जो कि यहाँ पर हमें जेपी पावर के लेकर देखने को मिल रही है, वो है इनके फाइनेंशियल ट्रेंड, यानी कि इनके फाइनेंशियल नंबर्स। कंपनी का रेवेन्यू तो हमें काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी फर्स्ट टाइम हमें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर प्रॉफिट मेकिंग देखने को मिली है। यानी कि जहां पिछले 3 साल से कंपनी लॉस जनरेट कर रही थी, वहीं पिछले साल यानी कि 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, जिस कारण से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में आते हुए अब हमें देखने को मिल रही है। जेपी पावर के अंदर हमें वॉल्यूम बेस काम भी काफ़ी शानदार तरीके से इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम बार्स भी अब हमें इसके अंदर काफ़ी अच्छी आते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर आप इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन पाइवट लेवल के हिसाब से आप यहां पर अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। जो R3 लेवल यहां पर निकल कर आए हैं पाइवट लेवल के हिसाब से, जिसमें पहला रेजिस्टेंस 4.78 रुपये का, दूसरा रेजिस्टेंस 4.97 रुपये का और तीसरा रेजिस्टेंस 5.13 रुपये का निकल कर आ रहा है। इन रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप अपने टारगेट को सेट करते हुए चल सकते हैं। रिस्क की बात करें तो यहाँ पर आप पाइवट लेवल के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल है उनको ध्यान में रखते हुए अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं, जिसमें पहला सपोर्ट 4.43 रुपये का, दूसरा सपोर्ट 4.27 रुपये का और तीसरा सपोर्ट 4.08 रुपये का आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। और इन सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए आप जेपी पावर के अंदर अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। किसी और शेयर्स पर अगर आप ऐसी ही डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।